गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 कराऊंगी। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 18 में, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ बी, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, देन प्रूव दैट इट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिसेज ओ ए एंड बी। सबसे पहले हम समझते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल है ए ओ बी, ए ओ बी राइट एंगल ट्राइंगल है, दैट मीन्स उसमें एक एंगल होगा 90 डिग्री का। देन ये कह रहा है सी मिड पॉइंट है, सी मिड पॉइंट है किसका, हाइपोटेनियस का। तो जब एक एंगल 90 डिग्री होगा तो उसकी जो अपोजिट साइड होगी उसका मिड पॉइंट ही क्या होगा, सी होगा, क्योंकि अपोजिट साइड जो होती है 90 डिग्री की वही होती है हाइपोटेनियस, और उसका मिड पॉइंट आपको क्या दे रखा है, पॉइंट सी दे रखा है, तो वो उसका मिड पॉइंट होगा। अब आपको क्या प्रूव करना है, कि प्रूव करना है इट इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ओ ए एंड बी, इट इज़ मीन्स पॉइंट सी। सी के लिए कह रहा है कि पॉइंट सी जो है वो ओ ए एंड बी तीनों से इक्वी डिस्टेंस पर होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ग्राफ बना रही हूँ। तो ग्राफ में मैंने ये एक्स एक्सिस बना दी और ये बना दी वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, एंड दोनों जहाँ पर मीट करती है, दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट होता है ओरिजिन, ओरिजिन हुज कोऑर्डिनेट्स आर 0, 0। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, ये जो ए ओ बी है उसका ओ पॉइंट आ गया मेरे पास में। अब ए एंड बी लेना है, ए मैंने ले लिया एक्स एक्सिस पर और बी मैंने ले लिया वाई एक्सिस पर, और जब ए एंड बी को आप ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे ये ए ओ बी ट्राइंगल बन जाएगा, और एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो ओ पर 90 डिग्री एंगल ऑटोमेटिकली बनेगा और एक एंगल 90 आ जाएगा, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ पर बनाया है, ओरिजिन पर राइट एंगल एज्यूम करके हमने राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ बी बनाया है, जहाँ पर पॉइंट ए को मैंने एक्स एक्सिस पर लिया है, पॉइंट बी को वाई एक्सिस पर लिया था, क्योंकि पॉइंट ए जो है वो एक्स एक्सिस पर है, तो कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर लाई करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट किससे रिप्रेजेंट होंगे, उसके कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट होंगे एक्स कॉमा जीरो से, इसीलिए पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा जीरो से रिप्रेजेंट हो सकता है, और पॉइंट बी जो है वो वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, और एनी पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस उसके कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट होते हैं 0, y से, इसीलिए बी के कोऑर्डिनेट 0, y होगा। अब ये एक्स क्या होता है, एक्स होती है ये डिस्टेंस ओ ए डिस्टेंस, ओ ए डिस्टेंस इज कॉल्ड एक्स डिस्टेंस, और इसको मैं एज्यूम कर रही हूँ 2a, लेट दिस इज 2a, तो ये डिस्टेंस अगर 2a है तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2a, 0। इसी तरह ये y डिस्टेंस क्या होती है, ये जो डिस्टेंस ओ बी डिस्टेंस है, ये ओ बी डिस्टेंस होती है y, और इस y डिस्टेंस को मैंने कह दिया 2b, तो ये 2b हो गया, तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2b, 0, क्योंकि x 2a हो गया तो a के कोऑर्डिनेट हो गए 2a, 0, और क्योंकि y 2b हो गया तो b के कोऑर्डिनेट हो गए 0, 2b। तो इस तरह से मैंने एज्यूम कर लिया है इनके कोऑर्डिनेट, x को मैंने 2a एज्यूम किया है, y को 2b एज्यूम किया है। नाउ अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि c मिड पॉइंट है, इसका c मिड पॉइंट है, c मिड पॉइंट है ab का, तो c मिड पॉइंट हो गया, लेट इट्स कोऑर्डिनेट्स आर x, y। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, ab का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो ab का मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना होगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला जब आप लगाएंगे a और b पे, जिसका मिड पॉइंट c आपको फाइंड आउट करना है, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, तो a के कोऑर्डिनेट है 2, 2a, 0, एंड b के कोऑर्डिनेट है 0, 2b। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो एक पॉइंट x1, y1 से रिप्रेजेंट होगा और दूसरा पॉइंट x2, y2 से रिप्रेजेंट होगा। तो c, x, y, सबसे पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाइए, विच इज़ x1 + x2 होल डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 होल डिवाइडेड बाई 2। अप्लाई कर दीजिए, x1 इज 2a, सो 2a प्लस x2 इज 0 अपॉन 2, y1 + y2 यानी 0 + 2b अपॉन 2। पुटअप कर दिया हमने, कैलकुलेशन कीजिए, 2a + 0 2a हो जाएगा, यानी 2a अपॉन 2, (0 + 2b) = 2b, 2b अपॉन 2। ये देखिए 2 से 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a, b। तो आपके पास c के कोऑर्डिनेट आ गए हैं, c के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आए हैं, a, b। तो ये c के कोऑर्डिनेट आपके पास आए हैं a, b। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि बताना है ये जो c पॉइंट है वो o से, a से और b से तीनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट OC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC, दैट वी हैव टू प्रूव। आपको ये चीज़ प्रूव करनी है, क्या आपको प्रूव करनी है कि डिस्टेंस OC, डिस्टेंस AC एंड डिस्टेंस BC ये तीनों इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, तीनों डिस्टेंस निकालेंगे और तीनों की वैल्यू जब सेम आएगी तो ये प्रूफ हो जाएगा। नाउ जब पॉइंट C निकल जाएगा तो अब उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए
आपको ये तीनों डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस निकालने के लिए आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओसी डिस्टेंस निकालना है। ओसी डिस्टेंस किस तरह से निकलेगी? ओ ओरिजिन है और सी एनी पॉइंट है। डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, उसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्स तो ए है और वाई बी है, पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ओ सी डिस्टेंस आपके पास में आ चुकी है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ए सी और बी सी की लेंथ भी यही आनी चाहिए। अब हम निकालेंगे ए सी डिस्टेंस। डिस्टेंस ए सी, डिस्टेंस ए सी निकालने के लिए आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला जब आप दो पॉइंट्स के बीच में लगाते हैं तो उनमें से एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को एक्स वन वाई वन और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आप एक्स टू वाई टू से रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप ए सी निकाल रहे हैं तो उसमें से एक हो जाएगा आपका, एक पॉइंट हो जाएगा एक्स वन वाई वन और दूसरा पॉइंट हो जाएगा एक्स टू वाई टू। तो मैंने सी के कोऑर्डिनेट्स ए और बी को एक्स वन वाई वन एज्यूम कर लिया और ए के कोऑर्डिनेट्स को एक्स टू वाई टू एज्यूम कर लिया। अब वैल्यूज को यहाँ पर पुट अप कर देते हैं। नाउ अंडर रूट ऑफ एक्स टू, एक्स टू टू ए है और एक्स वन आपका ए है, हो जाएगा टू ए माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू है जीरो और वाई वन है बी, तो हो जाएगा जीरो माइनस बी होल स्क्वायर। नाउ टू ए माइनस ए जब आप करेंगे तो आएगा ए, सो ए स्क्वायर प्लस जीरो माइनस बी करेंगे तो आएगा माइनस बी स्क्वायर। सो आप देखेंगे ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये ए सी डिस्टेंस आ जाती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप देख सकते हैं ओ सी डिस्टेंस भी यही आई थी, ए सी डिस्टेंस भी यही आ गई है। अब हम कौन सी डिस्टेंस निकालेंगे? अब हम निकालेंगे बी सी डिस्टेंस। नाउ इसी की जगह अगर हम बी सी डिस्टेंस निकालते तो डिस्टेंस बी सी। अब जब आप डिस्टेंस बी सी निकालेंगे तो बी और सी में से एक पॉइंट को क्या बोलेंगे आप? एक्स वन वाई वन और दूसरा पॉइंट हो जाएगा एक्स टू कॉमा वाई टू। तो सी के कोऑर्डिनेट अगेन मैंने एक्स वन वाई वन ले लिए, अब बी के कोऑर्डिनेट को आप ले लीजिए एक्स टू कॉमा वाई टू और फॉर्मूले में पुट अप कर दीजिए। तो अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर, एक्स टू है जीरो और एक्स वन है ए, हो जाएगा जीरो माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर, वाई टू है टू बी और वाई वन है बी, तो हो जाएगा टू बी माइनस बी होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए इसको, जीरो माइनस ए आपको मिलेगा माइनस ए, माइनस ए का स्क्वायर प्लस टू बी माइनस बी मिलेगा बी, बी का स्क्वायर। तो माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी, बी स्क्वायर, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं ये भी वैल्यू सेम आ गई है। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि आपने क्या फाइंड आउट कर लिया? आपने फाइंड आउट कर लिया कि ओ सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी, बोथ आर इक्वल बिकॉज दे आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तीनों की वैल्यू सेम आ गई है इसीलिए हम कह सकते हैं दे ऑल आर इक्वल। तो इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है कि पॉइंट सी जो है इक्वी डिस्टेंस है ओ से, ए से और बी से। पॉइंट सी की ओ से जो डिस्टेंस है वही ए से है और वही बी से है। इस तरह से ये क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर लेंगे।